भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का सोनीपत में दर्जन से ज्यादा जगह पर स्वागत किया गया और वहीं रामलीला मैदान पर पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने जनसंवाद के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज विपक्ष दुकान में सामान नहीं रहा है और जब दुकान में सामान नहीं रहता है तो लोग गारंटी देना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी इन दिनों वोट के लिए गारंटी दे रही है और रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और वहीं बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन विकास से भरा हुआ है। मंच से संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि सोनीपत लोकसभा से ही उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी और अब यहां कारवां पूरे हरियाणा में सभी जिलों में पूरा हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से हरियाणा की जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है, इससे हरियाणा की जनता ने दीवार पर लिख दिया है कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर से कमल का फूल खिलेगा। आज पूरा शानदार कार्यक्रम रहा, आपका स्वागत समारोह रहा, क्या कहेंगे, किस प्रकार से कार्यक्रम की रूपरेखा? सोनीपत के सभी कार्यकर्ताओं का, सोनीपत की जनता का, जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जो आम लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला, मैं सोनीपत को और सोनीपत के कार्यकर्ताओं को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। उन्होंने, सभी बाजार के लोगों ने, सभी संस्थाओं के साथ साथ सभी एनजीओज ने जो बाहर आकर के आशीर्वाद देने का काम किया है, ये आशीर्वाद, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये आशीर्वाद, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। जो काम उन्होंने 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों में किए हैं, ये उन सब का परिणाम है। अद्भुत देश और प्रदेश को बदलने का काम किया है, आम गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर मुस्कान लाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक, दूर दराज बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतने काम किए हैं कि मैं दोनों सरकारों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि जबरदस्त काम इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। चाहे मनोहर लाल की सरकार ने बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है, जिन लोगों का विश्वास सरकारों से उठ चुका था, इन 9.5 वर्षों के अंदर वो विश्वास दोबारा कायम करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। जेपी दलाल ने एक बयान दिया है, उसके बाद उनका विरोध हो रहा है। फोकाट खाप और धनखड़ खाप ने कहा है कि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया वो उसकी माफी मांगे, वरना हम उनका विरोध करेंगे। दुर्भाषा का प्रयोग किया है? नहीं, देखिए, क्योंकि जेपी दलाल ने जो बोला है वो उसका अपना व्यक्तिगत विषय वो हो सकता है, और उसके अंदर उन्होंने जो बात कही है उसके अंदर पार्टी का हमारा कुछ विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है, सबका आशीर्वाद इसके अंदर है, सहयोग है। मेरी अपील है, जिस प्रकार का आज जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है, जिस प्रकार का उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर 10 के 10 कमल के फूल खिल करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तीसरी बार अपनी जमीन तलाशे, अब की बार कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए, क्योंकि कोई भी दल है वो दल अपनी बात रखता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। कांग्रेस का जो शासन है वो भ्रष्टाचार से रहित दिखाई देता है, और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी का शासन और विकास से रहित दिखाई देता है। वो अंतर एकदम लोगों को दिखाई दे रहा है। आज मैंने कहा है कि प्रदेश के अंदर भी समान रूप से विकास हुआ है, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक क्षेत्र प्रेम था, क्षेत्रीय प्रेम था, और वो क्षेत्रीय प्रेम के कारण वो हरियाणा को अनदेखा होता था, और उस क्षेत्रीय प्रेम के कारण बहुत सारा वर्ग वो भी वंचित रह जाता था। परंतु आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मालूम होगा, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, आज सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। ये अंतर कमल का फूल। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।